और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर नगर निगम पहुंच कर सफाई कर्मचारियों ने 4 महीने का वेतन नहीं मिलने पर विरोध जताया। शुक्रवार दोपहर 2 बजे नगर निगम पहुंच कर सफाई कर्मचारियों ने 4 महीने का वेतन नहीं मिलने को लेकर विरोध जताया। सफाई कर्मचारी नेता राजेश मेहरोलिया, कालू जंगाले, सुमेर सिंह मेहरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और त्योहारों के दिन भी कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत करने के लिए आज हम नगर निगम कार्यालय पहुंचे और यहां पर हमने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर हम धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। देखिए, आपको मालूम है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस एवं हमारे संगठन पूर्व में भी हड़ताल किए गई थी। श्रीमान जी द्वारा हमारे को 7 दिन का समय दिया गया था। हमारी वो मांगों का निराकरण आज तक की नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में वाल्मीकि जयंती के ऊपर छुट्टी दी जाती थी। हमारे जो नए एचओ बने हैं गणेश पाटिल जी, उनका ये कहना है कि भेड़ भंगियों को काय की पूजा पाठ करना चाहिए, इसलिए हमारे को कल छुट्टी नहीं दी गई है। हमारे कुछ समाज के लोग यात्रा पे गए थे, नगर निगम और मध्य प्रदेश की सरकार तीरथ करा रही है और हमारे व्यक्ति तीरथ पे जा रहे हैं तो उनके हाथ सेंड करे जा रहे हैं और छुट्टी के अवकाश देने के बाद भी उनको ये बोला गया कि अगर तुम तुम्हारे तीरथ पे जाएंगे तो हम तुम्हारे को सस्पेंड कर देंगे। उन व्यक्तियों को भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया। हमारे राजू भाई को आज तक के काम पे नहीं लिए इन्होंने। वेतन हमारा 4 महीने का है, 9,000 ठेकेदार को ये देते हैं 12,000 रुपए, ठेकेदार हमको 7,000 रुपए दे रहा है। उसके अंदर पूरी पूरी नगर निगम के अधिकारियों की और कुछ राजनेताओं की मिली भगत लगती है, जो जबकि बिगा ठेका टेंडर कराए, अभी तक के टेंडर चल रहा है उसका, जबकि ठेका उसका 2 साल 1.5 साल हो गया, खत्म हो गया। अरे सफाई जाति बात करे इन्होंने, हमारे को पूजा पाठ से वंचित किए। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते, कलेक्टर साहब से निवेदन करते, ऐसे अधिकारियों को तत्काल रूप से अगर तुमने नहीं तक हटाया गया तो हम मंगलवार से भूख हड़ताल करेंगे और किसी भी समय काम बंद हड़ताल हो जाएंगे। जहाँ एकता विखंडित होती है वहाँ पर अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता है। हमारा वाल्मीकि समाज वो है, हमारे संघर्ष को इस देश बुरहानपुर का इतिहास जानता है कि हमने कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया है और विजय प्राप्त की है। आज बड़ी दुखद बात बोले जो हमारे कालू भाई ने बताई कि कल वाल्मीकि जयंती थी और जो हमारे एचओ के रूप में आज बोले जो प्रभारी बना है, चपरासी का पद है उसका, उसको बोले एचओ बना के सिर्फ इसलिए कि वो उच्च जाति से बोले जो बिलोंग करता है, तो अनुसूचित जाति वर्ग पे अन्याय अत्याचार करने के लिए उस व्यक्ति को बोले जो एचओ बना के हमारे सर पे ठोपा गया है। दूसरा जो उसने मतलब जो कल कालू भाई ने हमें बताया कि मतलब उसने जो हॉकी टॉकी होती है उसके ऊपर मतलब ये लफ्ज बोल रहा है, बड़ा शर्म का विषय है और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम मतलब जो सब संपूर्ण समाज एकत्रित होकर अनुसूचित जाति मतलब जो है कार्यालय जाएगा और वहाँ पे मतलब जो है अपना मतलब जो है रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। हाँ, ये जो भी इन्होंने मेरे को बताया है मेरे संज्ञान में नहीं था, परंतु आज मेरे संज्ञान में आया है कि जिससे कि इनमें आक्रोश की भावना जागी है, मैं उसको दिखवा रहा हूँ प्रकरण को। और कुछ इनके 4 महीने का वेतन नहीं मिला इसको लेकर भी त्योहार का समय है। त्योहार का समय है, हम भी उसको संवेदनशील है। तनख्वाह देने की तैयारी पूरी चालू है, चुंगी भी कल आ चुकी है। हम दिखवा रहे हैं कि कितने माह की जितनी जल्दी हो सके। हमारी भी प्रायोरिटी रहती है कि फोर्थ क्लास कर्मचारी और सफाई संरक्षक जो रहते हैं हमारे, उनकी तनख्वाह जो है प्रायोरिटी में सबसे पहले की जाए। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में शिक्षकों को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे शासकीय सुभाष स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के शिक्षकों को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर संजय गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब स्कूलों में रोजाना 1 परेड स्काउट गाइड का भी लगेगा, जिसमें गतिविधियां कराई जाएगी, इसलिए शिक्षकों को जानकारी दी जा रही है।
अब यहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को यहाँ पाठ पढ़ाएंगे। ये प्रशिक्षण आज का ही है, स्काउट गाइड बिगिनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें स्कूलों में नियमित रूप से स्काउट गाइड की गतिविधियाँ संचालित हो इसके लिए तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ स्कूल में एक कालखंड इनका नियमित रूप से चालू हो ताकि स्काउट की गतिविधियाँ वास्तविक रूप से संचालित हो सके। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। अच्छा भाव मिलने से किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 3 बजे से कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। व्यापारी यहां पर किसानों से सोयाबीन की उपज खरीद रहे हैं। 4,200 प्रति क्विंटल के हिसाब से उपज बिकने पर किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सूखा हुआ माल यदि और किसान लेकर आते हैं तो और भी अधिक भाव में हम खरीदेंगे। आज करीब 100 से अधिक किसान मंडी में उपज लेकर पहुंचे, जिनकी उपज व्यापारियों ने खरीदी। मोहम्मद याकूब, कहाँ से आयो? लालबाग। क्या लाए आप? सोयाबीन। क्या भाव गए? 4,215। पूरे बढ़ गई सोयाबीन क्या भाव? नहीं, हाँ आवक तो बढ़ गई है ना। आवक पूरी बढ़ गई है ना। कितने क्विंटल भरी तुम्हारे से? 10 क्विंटल भरेगी बस। सोयाबीन आवक बढ़ गई है? सोयाबीन बढ़ी ने कुछ कम है ना, बढ़ गई। अनिल महाजन, कहाँ से आयो? सारोला। क्या लायो? सोयाबीन। मंडी में आयो बेचने? हाँ। अच्छा भाव मिल रहा है? बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में अंबा माता का उत्सव गुजरसाली सकलपंच समाज द्वारा मनाया गया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकारपुरा क्षेत्र में अंबा माता का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्त यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। जिन भक्तों की मन्नत पूरी हुई उनके बच्चों को कपड़े के झूले में झुलाया गया। यह उत्सव पिछले 50 वर्षों से मनाया जाता आ रहा है। इस समिति में बच्चों से लेकर तो बुजुर्ग शामिल है, जो अपने खुद के द्वारा लिखे हुए गीत गाकर माता का गुणगान करते हैं। 450 साल पुराना कर रहा है, कई बुड्ढे गए, उसके बाद में हमने सवाल हम भी कर रहे हैं। इसमें यह है कि मान मन्नत, बच्चों को झुलाना, हम सब मंडप के अंदर करते, पूजा अर्चना करते, पूरा उनको हमारी सारी रात होती है। दूसरे दिन विसर्जन रहता है। अब इसे नहीं, अब 300-250 साल हो गए, 5 पीढ़ी हो गई मेरी, 5 पीढ़ी हो गई। और हमारे आज से नहीं चल रहे, बरसों चल रहे। पहले वहाँ नाच गाना आता था, तब होता था, अभी जो है ना बदल दिया हमने। किसान परंपरागत खेती के साथ अब नवाचार भी खेती में करते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सारोला में रहने वाले एक किसान ने यह नवाचार किया है। किसान का कहना है कि मैं पहले परंपरागत केले की खेती करता था, लेकिन अब इस बार मैं गेंदे का फूल की खेती कर रहा हूं। 2 एकड़ में मुझे मात्र 30,000 रुपये खर्च लगा है और मेरी अब लाखों रुपए में कमाई हो रही है। किसानों ने कहा कि जिस तरह से वैज्ञानिक और सोशल मीडिया के जानकारियां मिलती है, हम उसके आधार पर खेती कर रहे हैं, उसी के माध्यम से अब हमको फायदा भी होने लगा है। सारोला के किसान मुकेश महाजन और ताराचंद पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने मात्र 30,000 रुपये में गेंदा फूल की खेती करने के लिए लगाए हैं। 2 एकड़ में गेंदा फूल लगा हुआ है। इस बार 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अधिक का दाम फूल का भाव होने के कारण हमारी कमाई अच्छी हो रही है। करीब 2 लाख की हमको कमाई होगी और लागत बहुत कम लगी है। मैं मुकेश महाजन सारोला से, मैंने गेंदे की खेती करी हुई है और मतलब कि मैंने ये 2 एकड़ में गेंदे की लागवाल करी हुई है। इसमें खाद मटेरियल का उपयोग नहीं किया जा का मतलब किया नहीं जाता है और प्योर गोबर का उपयोग किया जाता है। इसलिए मेरे को 30,000 रुपये खर्चे लगा है और उसका रूप मतलब नर्सरी से मैंने 30,000 रुपये खर्च मात्र लगा था मेरे को। और मेरी खेती ये लगभग में दो शिफ्ट में निकलती है, तो मेरे को अधिक मतलब 2 एकड़ में कम से कम 2 लाख रुपये का मुनाफा का प्रॉफिट मिलता है।